के क्या देखो जा। अच्छा मुझे एक बात बताओ दोनों, सुनो ओए, ये बताओ ये सराज मुख हटे की गांड में कितने मुख उठे। हर्ष अभी 20 दिन पहले तेरा बर्थडे गया ना, सरप्राइज चाहिए तुझे। भाई धुमा तो चल। जल्दी जल्दी दूध पी लेता हूँ अभी इस गाड़ी पे, 10 और भी तो लोग बनाने हैं। मेरी गाड़ी की पहली रैपिंग, मेरी गाड़ी की पहली सर्विस, हमारी गाड़ी का वो एक्सीडेंट अभी बना सके थे, खंबा से तिरछा हो रहा था वहाँ गाड़ी को खड़ी करके बना देते ट्रक वाले भी क्या हो गया। ट्रक छोटा वाहन है हमारे से, बोसड़ी के लगा के खींच दे ट्रक को। मुझे अपने शहर में मिस्टर फैजू जैसे रोज चार दिए, अभी दिख रहा था यहाँ साइड में मुझे आता हुआ मिस्टर फैजू बनने ज्यादा बड़ी बात नहीं है। अभी होगा साढ़े के लिए इलेक्शन हम बोलेगा बर्दाश्त नहीं ना बिना कंट्रोवर्सी के। चैनल मेरठ कहाँ कहाँ जाना था भाई, गली बता रहा था कोई सी घंटा घर के आसपास कुछ ज़्यादा ही फैमिली व्लॉग कर दिया तुमने ज़्यादा ही ये वाला। अभी हम ये डिस्कस कर रहे थे कि भाई फ्यूचर किन चैनल का है इंडिया में, इंडिया में क्या वर्ल्ड में किन चैनल का फ्यूचर है। तो एक तो ओपिनियन वाले चैनल का फ्यूचर है, दूसरा ब्लॉगिंग का फ्यूचर है। लेकिन हमारे यहाँ ज़्यादातर लोग क्या सोचते हैं कि भाई जो ब्लॉगिंग है ना, मतलब ऐसा माइंडसेट हो गया वो सिर्फ फैमिली मतलब फैमिली ब्लॉगिंग ही होनी चाहिए, ब्लॉगर की फैमिली आनी चाहिए या ब्लॉगिंग फैमिली फ्रेंडली होनी चाहिए। लेकिन उसके अलावा भी यंगस्टर्स भी तो हैं जो अपने आप से रिलेट करा सकें। एक चीज़ का और फ्यूचर है हरियाणवी गाने का, KFC में वही चल रहा आज, इंग्लिश बंद हो गया। जो KFC का राइस मिल है, मैं मतलब एकदम टिपिकल ब्लॉगर वाली बात कर रहा हूँ, फूड ब्लॉगर वाली है। लेकिन कभी ट्राई करना, मतलब KFC आ गया मैं यही खाता हूँ सर, मेरे घर वालों को नहीं पता मैं चिकन खाऊँ। ओह गॉड इट्स सो गुड, सो गुड। कैटरीना वाला वो कर रहा स्लाइस वाला ऐड, छोटी सी उम्मीद थी कि तू 100-150 रुपए कुछ खा के जाएगा। ये है असली सामान तो। और तुझे एक एडवाइस दूं, श्वेता नाम की लड़की को कभी ट्रस्ट नहीं करना। सम्राट आया था इसके ऑनलाइन क्लास में, पीछे नंगा कपड़े बदलता हुआ, बता तो अच्छा तूने क्या उखाड़ लिया अगर चिकन की जगह उखाड़ा तो क्यों ले बताऊंगा टेस्ट कैसा है इसका। देख एक सेकंड टेस्ट बताऊंगा ना अप टू द मार्क है कि नहीं। खीरा खाना पड़ेगा अब, खा ले भाई। तो जैसे तेरी अब MBA पूरी होगी, तेरे फ्यूचर प्लान्स क्या क्या है। मेरी और रचित की तो लाइफ सेट है अब, हमने तो फ्लैट भी ले लिया, वहीं ब्याह कर लेंगे या भगा के ले आऊंगे किसी को। फ्लैट की होम कीपिंग वगैरह उसके लिए भी तो बंदा चाहिए होगा, खुद का रोस्ट खुद ही कर रहा। तेरे आई भी तो थी 2-3 जगह, एक तो जॉब वाले ने इंटरव्यू में से ही भगाया ऐसे बीच में से सालों पे, पूछ रहे को इंडिया का कैपिटल क्या है, दिल्ली बता रहा, फिर वे कह रहे दिल्ली, आर यू श्योर, कन्फ्यूज हो गया वहीं, दिल्ली बता रहे दिल्ली को भी। एक मुझे इन कंपनियों की चीज़ समझ में नहीं आती, 2-1 साल से जानना है हम इन कंपनियों को, अरे कोई 100 साल अपने सेलिब्रेट कर रही कोई 95 ईयर्स, ये क्या चक्कर है भाई, अलग ही टेस्ट तो नंगा भाग तो मुझे भी। इतने रुपए थे भाई तेरे कंट्रीब्यूशन में, ला वापस कर दे और अपने अपने पैसे खुद दे के जियो। खानदान ने भी ब्याह का पेमेंट स्पेलिंग भी आवे तुमको, हमारे से कंटेंट निकल लो जाकर अपना खाता हो, अभी तो चैनल में से एक पैसा नहीं देता। आज तक क्या बेनिफिट मिला तुम्हें चैनल में से, इतनी एक्टिंग करेगा गान खींचने का, ले जा भाई घर दो गए इसमें बल्ब लगा लिए। देख पेट पेट चुपचाप अंदर कर ले चलते चलता।
सबसे महंगी सॉफ्ट ड्रिंक पीते हुए। रेड बुल ने स्पॉन्सर नहीं करा, कंचे ने कर दिया मुझे। कंचे ने पूरी एक पेटी कंचे की बोतल भिजवाई मुझे। किस कंपनी की है वो? कोई कोई बना के बेच रहा है कंचे के नाम पर। और फ्लेवर क्या है लो इसकी? द कंचास। एक वो भी तो थी, एक हाथ कोई मुहावरा था, एक हाथ में तेल की चिस्सी, एक हाथ में कुछ था, याद है क्या? अरे यू कह रहे थे, यू कह रहे थे आजादी की लड़ाई में हर्ष भी दौड़ा था, एक हाथ में तेल की चिस्सी, एक हाथ में लड़ा। देखते भाई ऐसा तारना नहीं, स्टीकर तारना इस पे से। वो भाई हर ज्यादा पुअर है तू तो। बनी बनी मैं आना चाहिए ना फ्रेम में। बात ही डाल दे, चुदाई करते हुए देखा करा गया तू। इसे देख लो बेटी छोड़ दू कहाँ फिर एक बेटी छोड़ दू आते तो बढ़िया आउटडोर शूट चल रहा था आज बालकनी में, इसे देख लो। ये तो हमेशा नहीं रहने को, चार फॉलो रिक्वेस्ट आ जाएंगे मुझे देख के। बैन नहीं मारूंगा वो आईडी। एक ही इसका वो लाल है, वो एक मीम नहीं आता, वो कट्टे धरो जाएंगे ऐसे मेरे बॉस के पीछे हाथ लगा के चलो जा बस, इतना हाथ लगा उनके पीछे। इसका वो लाल है तेरा, स्टिकर चिपका के भाग रहा था पीछे देखिए। एक स्टिकर चोरी कर लिया इन्हें, देख सब इन्हें बल्लो इसे नहीं पता चिपकाने की चीज बल्लो मैंने चिपका करते ही साइलो नहीं पता लगा जान के चिपका मैं लोग अनजान में चिपका जाए स्टिकर चिपक गए किसी में अनजान में यार का देख लो इसके और पिट जाएगा वीडियो के चक्कर में कहीं छुड़वा लेगा अपना इसका फेस ब्लर मार करो साले वो देख चैट 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 में देख क्या आया अबे स्टिकर देख क्या लगा लड़की का बोल लड़की का बोल अरे ब्लू कलर लिया अपने बाप के 140,000 रुपए में आग लगाता हुआ मैं सबसे पहले डिसाइड हुआ था आईफोन प्रो 128 120 का फिर डिसाइड हुआ 230 फिर हुआ प्रो मैक्स 140 मैं मालिक जब इतना खर्चा हो गया है चिप्स भी ले लेते हैं। अभी 140 का फोन लिया 3100 रुपए चार उसके अडेप्टर के और कैंपर के भी देने मालिक चिप्स ही चिप्स आ रहे हैं एप्पल वाले कार्बन से एनवायरमेंट बचा रहे अपना मगर जब तक ये धमका के नहीं भगा मैं मन नहीं क्या नंबर लिख जा अपनी एक्स का बग्गे तेरा बर्थडे आने वाला ना अभी तो नहीं आ रहा फिर भी गिफ्ट चाहिए मोस्ट एक्सपेंसिव गिफ्ट वीडियो क्लिक बेट हो जाएगी आईफोन का डब्बा आईफोन मेरे खराब हो अगले साल तुझे देखाऊंगा तुझे और गाड़ी की जब फोटो हर्ष को भेजनी थी वो चब्बी वाली वो जो टिपिकल फोटो वो वैन से सेंड होगी हर्ष बेनीवाल को वो कह रहा है भाई मैं वो हर्ष नहीं हूँ मैंने कहा ओके ब्रो आज फोन लिया सुबह से आरटीजीएस कर रखी फोन वालों पर गई नहीं उन्होंने थोड़ी सी दया खाई थोड़ा ट्रस्ट दिखाया मैं फोन तो दे दिया पर उसे चला नहीं सकते अभी क्योंकि रजिस्टर होगा कल जब पेमेंट हो जाए पता नहीं कितने जीबी ये 256 GB अभी अपन यार बड़े आदमी हो गए यार अभी सब कुछ मैक्स है सब कुछ मैक्स है एकदम एक और चीज मैक्स है मेरे पास मैक्स साइज अभी गिर जाते ही बाप बताएगा जो वे कटे फरम में से 140,000 रुपए यार मुझे दुख हो रहा है इसे लेने का मतलब मैं पहली बार किसी महंगी चीज को लेके एक्साइटेड नहीं हूँ लेकिन ये मुझे लेना पड़ा क्योंकि जो व्लॉग है ना इसमें बहुत सारा पर्सनल डेटा रहता है मतलब उस तरह का पर्सनली लेकिन दूसरा तो मैंने सोचा व्लॉग के लिए अलग ले लेना और कैमरा हर जगह उठा के नहीं घूम सकते क्योंकि अनइंटेंशनली बहुत बार ऐसी चीजें शूट करनी पड़ती हैं जब सिर्फ तुम फोन से ही शूट कर सकते हो मैं मुंबई करने के लिए फ्लाइंग बिच नहीं हूँ कि मैं हर टाइम कैमरा लेके घूमू मेरा मेन कॉन्टेंट वो नहीं है तो तुम समझ गए होंगे लेकिन सारी बात यह है कि मैं वो अमीर हूँ थोड़ी सी फेक एक्टिंग भी कर लेते हैं भाई सही बताऊँ ना बहुत यूजलेसली महंगा है बहुत यूजलेसली मतलब अलग से चार्जर ये वो यार बंदा खरीद भी ले साला आधे रेट पे भी हो ना तो भी ठीक है तो भी महंगा ही है दूसरे फोनों से तो भी महंगा ही है कहा था मैंने शनिवार का दिन इतना मनहूस है हमारे लिए अभी वॉलेट घूमता घूमता बचा वो तो मेरे मेरे दिमाग के सर्किट जल गए मैंने कहा कहाँ हो सकता है ढूंढ मचाओ तब जाके मिला शनिवार मतलब समझ जाओ घर से बाहर नहीं निकलना मुझे तो कतई कल पहले तो पूरी रात वीडियो लिखी फिर आज पूरे दिन रिकॉर्ड की और अब पूरी रात पहली बार पूरी रात एडिटिंग में लग रही है आज और आज तुम्हारा भाई फर्स्ट टाइम
इस फ्लैट पे चाय बनाएगा। बहुत गरीब है यार, हमारे पास बैठने को कुर्सी भी नहीं है, मैं तो यही नीचे ही बैठा, एक ही ले पाए हम, एक ही गेमिंग चेयर अफोर्ड कर पाए। तो आज आप हैं शेफ लक्ष्य कपूर के साथ, और शेफ लक्ष्य कपूर अपने फ्लैट में पहलम पहल काफी सारी चीजों का तो आज हुआ है उद्घाटन हमारी इसका सारी चीजों का, कप कप यूज कर रखे बस हमने। सबसे पहले आपको लाइट लेना है, फिर आपको ये नीचे से बंद है। शेफ को याद आया कि फक्ड अप फर्स्ट ट्रायल फेल हो गया। शेफ को याद आया कि सिलेंडर घानपट्टी में बंद कर गए थे। शेफ ऐसे सिलेंडर खोल देंगे, ये किया, वाह भाई, ओ ये आग आदि मानव ने जैसे सेलिब्रेशन किया होगा ना वही वाला। सबसे पहले इसमें एक कप पानी, क्योंकि हमको दो कप चाय बनानी है, ये रख दिया हमने एक कप पानी। लेकिन ओह देख रहे हो तुम ब्रोस, ओ माय गॉड अब इसको जैसे ये गर्म होगा तो कई लोग क्या करते हैं पत्ती बाद में डालते हैं, लेकिन शेफ लक्ष्य कपूर क्या है ना, लक्ष्य कपूर पत्ती पहले डालते हैं। आज ये गू करके दिखाएंगे आपको, लेकिन पत्ती लक्ष्य कपूर को ही नहीं पता कितनी डलेगी। पत्ती डालो दो चम्मच यस। और ये शेफ रचित इसकी माँ ना चुदवा दे चाहे बस बहुत मैंने सुना चाय 300% महंगी होगी, आज ही मेरी मम्मी ने बताया जब मैं घर से चाय लेके आया। रेडी या ब्रो, बन चुकी है। अब बस मुझे सुबह से जिम मारना है, मुझे थोड़ा हल्का सा मोटा होना, मतलब यहाँ से तो यहाँ से चाय बन रही है जिम वालों के लिए, प्रोटीन शेक भी। हाँ, जिम वाले लेके चाय पीते हैं। अगर एक मैं सच्चे नागरिक की तरह एकदम ईमानदारी से मैं रिव्यू करूँ अपनी चाय को, तो बहुत चूतिया चाय बनी भाई, बहुत चूते एकदम कच्ची। आज दो दिन बाद सिम डाला मैंने इस फोन में, दो दिन से टाइम नहीं था भाई, अब लग रही यार कैमरा क्वालिटी तो, और साथ में मेरी थूथ की क्वालिटी भी पता लग रही कि मैं नहा के नहीं आया, मुंह धो के नहीं आया। बग्गे पोज तो बढ़िया देता है यार, ऐसा पोज आना चाहिए, मुझे तगड़ी आनी चाहिए एकदम। सोच रहा था कितनी बढ़िया फोटो खींचूं इसकी।